क्वेश्चन नंबर 69, इवेलुएट इंटीग्रेशन कॉट पावर 4x dx. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉट पावर 4x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन, हम इस कॉट पावर 4x को कॉट स्क्वायर x पहले टू टाइम लिख लेते हैं और फिर उसमें से किसी एक को कॉसेक के टर्म में चेंज कर लेते हैं. तो ये होगा इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स इंटू, यहाँ पर लिख लेते हैं ये कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और इसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ के साथ. तो ये होगा कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इस कॉट स्क्वायर एक्स को अगर हम कॉसेक के टर्म में चेंज करेंगे तो इसका इंटीग्रेट इजी से हो जाएगा. तो कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इन, यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा माइनस कॉट एक्स, और वन डी एक्स का करेंगे तो ये होगा एक्स प्लस सी, और इसमें हम इस कॉट एक्स को डिफरेंशिएट करने से ये होगा कोसेक स्क्वायर एक्स. तो हम इसको लेट ले लेते हैं, पुटिंग कॉट एक्स इक्वल टू टी. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, और टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी. सो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी. सो देयर फोर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो कॉट एक्स को हमने लेट लिया ये टी, तो यहाँ पे होगा ये टी स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी, तो माइनस बाहर ले लेंगे. और इसमें इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये होगा प्लस कॉट एक्स प्लस एक्स प्लस सी इक्वल टू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी क्यूब अपॉन थ्री, और सिंपली अब इसमें यहाँ पे हम टी की वैल्यू को पुट कर देंगे. ये हमने लिया है कॉट एक्स, तो ये होगा कॉट क्यूब एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी आंसर.